हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एमपी में माफियाओं से मुक्त कराई गई 21,000 एकड़ जमीन पर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए घर। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 21,000 एकड़ जमीन गुंडे माफियाओं से मुक्त करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे और किसी को भी झोपड़ी में रहने नहीं दिया जाएगा, सबको पक्का मकान बनाया जाएगा। बकौल शिवराज सिंह चौहान, जरूरतमंदों को फ्री में राशन बांटेंगे। IIT दिल्ली के छात्र ने जीती दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता, मिले 7.76 लाख रुपए। जी हां, IIT दिल्ली के एक छात्र कलश गुप्ता ने वैश्विक कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोड वीटा का 10वां सीजन जीत लिया है, जिसमें 87 देशों के 1,00,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। बता दें कि TCS की प्रेस रिलीज के मुताबिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र कलश को $10,000 यानी करीब 7.76 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी कोटिंग प्रतियोगिता है। यूके में महिला ने 2 करोड़ में एक बार पैदा होने वाले एक जैसे 3 बच्चों को दिया जन्म। जी हां, बता दें कि यूके के नॉटिंघम में पहली बार मां बनी जहरा अमीराबादी नामक 28 वर्षीय महिला ने 2 करोड़ में एक बार पैदा होने वाले एक जैसे 3 बच्चों को जन्म दिया है। उन्होंने दिसंबर 2021 में 3 बेटियों रोया, अदीना और सोफिया को जन्म दिया था, जिन्हें स्पॉन्टेनियस आइडेंटिकल ट्रिपलेट कहा जा रहा है। रोया अदीना की नाल एक जबकि सोफिया की नाल अलग अलग थी। बता दें कि जहरा को 12वें हफ्ते में 3 बच्चों के बारे में पता चला था। इमरान खान के लिए बड़ी मुसीबत, देशद्रोह का मामला दर्ज करवा सकती है सरकार। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व PM और PTI प्रमुख इमरान खान पर जल्द ही देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार मई में इस्लामाबाद में आजादी मार्च की योजना बनाने के लिए खान और गिलगित बाल्टिस्तान के CM के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर सकती है। RBI के डिप्टी गवर्नर ने कहा, डिजिटल करेंसी के बाद क्रिप्टो करेंसी का मामला खत्म हो जाएगा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में जल्द ही पेश की जाने वाली केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा से प्राइवेट डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन को लेकर जो थोड़ा बहुत भी मामला बनता है वह लगभग खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर परामर्श पत्र लाने की तैयारी कर रही है। गोवा में हर परिवार को साल में मिलेंगे 3 फ्री LPG सिलेंडर, CM ने किया ऐलान। जी हां, गोवा सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य में हर परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक ट्वीट में बताया कि कैबिनेट ने नए वित्तीय वर्ष से भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार 3 सिलेंडर मुफ्त देने की योजना का फैसला किया है। बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई सम्राट पृथ्वीराज, ओपनिंग डे पर कमाए इतने करोड़। जी हां, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार फिल्म की कमाई उम्मीद से कम रही है। सम्राट पृथ्वीराज को अपने ओपनिंग डे पर 10.50 से 11.50 करोड़ रुपए की कमाई करने का मौका मिला है। अक्षय की पिछली फिल्म बच्चन पांडे ने पहले दिन 13 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।